व्हीलचेयर बास्केटबॉल और नॉर्मल एबल्ड बास्केटबॉल में क्या आप डिफरेंस जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। एबल्ड बास्केटबॉल और व्हीलचेयर बास्केटबॉल में सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है, बाकी कोर्ट, बास्केट की हाइट, हर चीज सेम रहती है, रूल्स सारे सेम रहते हैं। मेन जो डिफरेंस है वो आता है ड्रिबलिंग का, मतलब कि अगर आपने दो बार से ज्यादा अपनी व्हीलचेयर मूव कर दी तो आपको एक बार ड्रिबल करना जरूरी है और यही सीक्वेंस रहेगा। मतलब अगर आप दो बार अपनी व्हीलचेयर पुश करते हैं तो आपको गेंद बॉल अपने हाथ से, अपनी गोदी से, अपने लैप से उठाकर ड्रिबल करनी होगी, फिर उसके बाद आप दो बार मूव कर सकते हैं। और दूसरा डिफरेंस ये रहता है कि व्हीलचेयर में आपके पास व्हीलचेयर है तो ऑब्वियसली बॉल जब छीनने आप जाएंगे तो थोड़ा बहुत टच हो जाएगा, उतना नेगोशिएबल होता है, उतना माफ किया जाता है। लेकिन मान लीजिए आप अपना हेड टू हेड कॉन्टैक्ट हो रहा है या कुछ इतना ज्यादा पुश कर दिया कि अगला पर्सन जो है वो गिरने की स्थिति में आ गया है तो ये थोड़ा सा वायलेंस और फाउल माना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि बास्केट की भी हाइट छोटी करी जाती है? जी नहीं, हाइट सेम रहती है, एबल्ड बास्केटबॉल की जितनी होती है उतनी ही रहती है। बाकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके जरूर पूछें और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।